हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय यादव, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सीएलसी सीकर आप लोगों के साथ लेकर आया हूं आज के सेशन में डिस्कशन, वो भी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ईयर 2013 से 19 के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस। लेकिन आज के सेशन में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि पिछले सेशंस जो हमारे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और गैसेस स्टेट। सेकंड सेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड सेशन में मैंने थर्मोडायनेमिक्स और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। ओके, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स से था, और इसके आगे जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल 73 तक हम लोग कर चुके थे। 74 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइड्स का कौन सा गुण कोलाइड करके आवेश पर निर्भर नहीं करता है, दैट मीन्स व्हाट, कि कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से वो क्या होता है, उसका सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं। तो कोलाइडल सोल का एग्जिस्टेंस उनके चार्ज की वजह से ही होता है, दे रिपेल ईच अदर, तो वो सेटल डाउन नहीं होते। तो कोगुलेशन तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो चार्ज बेस्ड प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पे कोलाइडल पार्टिकल्स एक सर्टेन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, उनके ऊपर चार्ज क्या है, उसका नेचर क्या है। ओके, तो हम लोग ये भी नहीं ले सकते आंसर। देन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो है आपका, इसमें जो ऑस्मोसिस फिनोमेनन होता है कोलाइडल सोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो भी आपके चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स ये आंसर भी नहीं हो सकता। टिंडल इफेक्ट, ऑब्वियस है, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके पार्टिकल्स से, जो लाइट के पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है वो टिंडल इफेक्ट कहलाती है। तो वो किस बात पे डिपेंड करता है भाई टिंडल इफेक्ट, अपन लोगों को पता है कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, और वो तभी शो करेंगे जब उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज के ऑर्डर का हो, इक्विवेलेंट ऑर्डर का हो, कंपेरेबल हो। और दूसरा आपका डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेस का जो रिस्पेक्टिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, दोनों ही एक मार्जिनल डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, तो ये टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो आंसर आपका 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। इसको हम लोगों ने गैसेस स्टेट में भी डिस्कस किया था। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयर फोर डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव। डेल्टा एस तो ऑब्वियस है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि भाई यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स जो है सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं तो उनकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे सरफेस पार्टिकल और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, बाइंडिंग फोर्सेस हैं, तो दैट इज व्हाट, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो ये आपका ऑप्शन जो है, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयर फोर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव हो नहीं सकता, डेल्टा एस पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि डिसऑर्डरनेस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है, कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट। 2015 बेसिकली ये क्वेश्चन 2014 में ही आया हुआ था। ओके, और इसको जो है हम लोग फिर से एक बार रिसॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कोलाइडल पार्टिकल की चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया टिंडल इफेक्ट इज द आंसर। ओके, तो इस पर ज़्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएटेड एड्जॉर्प्शन। ओके, एड्जॉर्प्शन जो है आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इनके बारे में पूछा गया है। तो डेल्टा जी एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड इज बेसिकली व्हाट,
अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन, अगर स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा भाई, ओके, देन डेल्टा एच क्या होगा और डेल्टा एस क्या होगा, ओके तो डेल्टा एच क्या होगा भाई, बॉन्डिंग होगी तो डेल्टा एच क्या होगा, एक इंटरेक्टिव फोर्स आएगा तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी क्या होगा नेगेटिव होगा और डेल्टा जी भी क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो डेल्टा एस क्यों कम हुआ, रैंडमनेस कम हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ओके तो डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ, सो ऑप्शन नंबर वन शुड बी द राइट वन, ओके। जरा बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव तो नहीं हो सकता भाई, डेल्टा एस पॉजिटिव फोर्थ ऑप्शन में भी है, ओके। फिर डेल्टा जी एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव बट डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है, सो राइट ऑप्शन विल बी वॉट, फर्स्ट वन, ओके। तो आसान आसान से क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से आते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री एक बार ठीक ठीक से तैयार कर लो, एक क्वेश्चन आ जाता है करीब हर साल, तो आप लोग क्या है कि आसान रहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्कोर करना, तो हर एक चैप्टर इक्वली स्कोरिंग नहीं होता है, तो सरफेस केमिस्ट्री उन चैप्टर्स में से है जिसमें बहुत कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी और आप उसके एवज में ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, ओके फॉग क्या होता है भाई, लिक्विड इनटू गैस, हमें पता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं, ओके सो गैस इन अ लिक्विड तो नहीं होगा, सॉलिड इन गैस ये भी नहीं है, ओके तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ओके तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, रेट कांस्टेंट तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ओके हाँ यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली व्हाट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, ओके रेट कांस्टेंट वुड बी चेंज्ड बाय कैटलिस्ट क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जब चेंज होगी तो क्या होगा, सेम अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की चेंज होगी, ओके सो दैट्स वाई क्या होगा, जो चेंज आप के एफ में करोगे वही चेंज आपका के बी में आएगा, सो दैट्स वाई जब हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका एज इट इज रहता है, तो कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, बाकी का ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कैटलिस्ट एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, ये करेक्ट है भाई, ओके को एंजाइम इंक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, या कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं भाई, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप करते हैं, ओके तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज चेंज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये आपका ऑप्शन होगा वन जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड्स, ओके तो हमें पता है कि कोगुलेटिंग पावर किसी भी आयन की उसके चार्ज पर डिपेंड करती है, ओके तो मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज, फर्स्ट ऑप्शन साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, ओके द साइज ऑफ द आयन एलोन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन पर डिपेंड नहीं करता है, ओके साइन Cl- माइनस एंड सल्फेड आयन, ओके बोथ आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, बट हार्डी सुलजे रूल के हिसाब से कोगुलेटिंग पावर जो होती है, कोगुलेटिंग पावर वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ओके तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू द पावर 4, ओके सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई, चार्ज ऑन द आयन एलोन, ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81, अ मेटल हैज अ एफसीसी लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 2.72 ग्राम, ओके तो डेंसिटी देखो हम लोगों को दे रखी है, डेंसिटी 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए जो है आपका 404
4 picometer. Okay, the density of the metal is given, edge length is given, the molar mass of the metal is, okay. तो चलो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं हम लोग. सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है भाई, मास ऑफ यूनिट सेल, अगर हमें यूनिट सेल का मास पता हो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, तो यहां पे क्या होगा कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे भाई, एक यूनिट सेल का मास कितना होगा भाई, कितने एटम मौजूद हैं उसको हम लोग जेड इफेक्टिव से लिखते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं, जेड से लिखते हैं. और एक एटम का मास कितना होगा, एम अपॉन एन ए. और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा भाई, उसका एज लेंथ जो होगा ए क्यूब, है ना. अच्छा, तो ये तो अपन लोगों का फॉर्मूला फ्रेम हो गया. चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोगों को. अच्छा, हमसे पूछा गया है मोलर मास, तो मोलर मास हमें पूछा गया है. जेड हमें कैसे पता चलेगा भाई, एफ सी सी है तो जेड इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, जेड हुआ 4. ओके, एम पता करना है, डेंसिटी आपको दे रखी है. तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. डेंसिटी पहले हम लोग मोलर मास के फॉर्मूले के रूप में इसको फ्रेम कर लेते हैं. तो डेंसिटी इंटू वॉट, ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन वॉट, अपॉन जेड. ठीक है, तो डेंसिटी क्या है भाई आपकी, डेंसिटी मोलर मास क्या होगा और डेंसिटी क्या होगी. तो डेंसिटी तो आपको दे रखी है, देखो यहां पे डेंसिटी कितनी दे रखी है, मोलर मास 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ए क्यूब क्या होगा आपका, 404 इंटू 10^-12. हम लोग पिकोमीटर को मीटर में लिखेंगे, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना होगा भाई, 10^-10 सेंटीमीटर का क्यूब. ओके, अच्छा नेक्स्ट आपका एन ए कितना होता है, हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10^23. ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई वॉट, जेड कितना है अपने पास, 4, है ना. चलो तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो यहां पे देखो अपन लोग 2.72 इंटू वॉट, इसको 4.04 इंटू 10^-8 लिख देता हूं, है ना. तो 4.04 इंटू 10^-8 का होल क्यूब जब करेंगे तो इसका क्यूब 10^-8 का क्यूब कितना आएगा, 10^-24. ओके, यहाँ पे 6.02 है और इंटू 10^23 है ना. ओके, डिवाइडेड बाई 4. ओके, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पे इसको मैंने इसको कैलकुलेट किया है रफली. ओके, तो इसका जो आंसर आता है इस पूरे कैलकुलेशन का, दैट इज वॉट, 27 ग्राम पर मोल. ओके, सो हमारा ये एटॉमिक मास आ गया उस मेटल का. ओके, तो आंसर ए जो होगा आपका फर्स्ट होगा. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड. देखो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों को जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर याद होगा. तो डायमंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई टू साइड्स. ओके, वन इज व्हाट, कार्बन एटम्स प्रेजेंट एट सी सी पी लैटिस, मतलब एफ सी सी लैटिस, और जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उस सी सी पी लैटिस में, उसके ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, तो कार्बन प्रेजेंट एट सी सी पी लैटिस इज इक्वल टू कितने होंगे, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4 ऑल्टरनेट. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर सी सी पी यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 इंटू 2, ऑल्टरनेट के लिए हम लोग 2 डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है 4. तो मतलब टोटल कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4+4 इज इक्वल टू 4+4 = 8. ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग.
If A is the length of the unit cell, okay, the distance between the body centered atom and one corner atom of the cube, okay. तो body centered की अगर हम बात करें तो body center जो cube है, okay, वो क्या होगा? यहां पे देखो, अगर हम इस corner से इस center की distance को calculate करने जाएं और आपका अगर एज लेंथ ए है तो क्या होगा? एज लेंथ ए इस सेंटर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? टोटल डायगनली अगर हम देखें तो डायगनल कॉर्नर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग रूम के अंदर देखें तो दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर ये क्या होगा भाई? रूट थ्री ए होता है, और अगर उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी ओ से लेके ए कॉर्नर तक, सपोज करो ए और बी जो है आपका बॉडी डायगनल है, तो ए बी तो कितना होगा? रूट थ्री ए, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे ओ ए कितना होगा? रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है ना? तो रूट थ्री ए बाई टू इज व्हाट? आंसर इज फोर. ओके, तो आपका जो फोर्थ आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे. 83 के बाद हमारा 84. ओके, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ 361 पिकोमीटर. ओके, सीसीपी लैटिस में कोई हमारा क्रिस्टल है जो मेटल है जो सीसीपी लैटिस में क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज किया गया है. ओके, एज लेंथ आपको दे रखी है. इफ देयर आर फोर मेटल एटम्स पर यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल में फोर मेटल एटम्स हैं, इसका मतलब क्या है? जेड इज इक्वल टू फोर. ओके, और जेड इज इक्वल टू फोर के लिए कौन सी लैटिस फॉलो होती है? क्यूबिक लैटिस कौन सी होती है भाई? वो क्यूबिक लैटिस होती है, एफसीसी लैटिस, है ना? अगर जेड फोर है, हम सब लोगों को पता होगा. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम? अब देखो, हम लोगों को पता है कि एफसीसी लैटिस में अगर हम लोग फिगर आउट करें इसको, ठीक है, तो क्या होगा भाई? कुछ इस तरीके से होता है. हम सब लोगों को पता है कि भाई ये जो एटम्स हैं, एक फेस कुछ इस तरीके से दिख रही होती है ना, ठीक है? तो यहां देखो, ये आपकी एज लेंथ कितनी है? ए. तो ये कितना होगा? रूट टू ए. फेस डायगनल कितना होगा? रूट टू ए. और ये पूरी ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी फेस डायगनल की? दैट इज व्हाट? इन टर्म्स ऑफ रेडियस फोर आर, ठीक है? हम लोगों को रेडियस ही पूछा गया है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा भाई? रेडियस हो जाएगा ए बाई टू रूट टू. ओके, ए बाई टू रूट टू, है ना? एज लेंथ आपको कितनी दे रखी है भाई? 361. तो 361 आपको एज लेंथ दे रखी है. तो इसका जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो, एज लेंथ जो ए है वो है 361 और 2 रूट 2, 2 इंटू 1.414, है ना? तो दैट इज व्हाट, क्या होगा भाई? 361 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.41. ओके, कितना आएगा इसका? जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड 127 के आसपास आता है, 127.3 अराउंड. ओके, तो जरा देखो, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, इसका आंसर जो है वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर थ्री. ओके, ओके, सो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? बढ़ते हैं आगे, और ये ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग. वेकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस ऑफ द यूनिट सेल, हम सब लोगों को पता है कि भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती है बीसीसी लैटिस, तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को पता है कि ये 6.8% होता है. तो वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा भाई? वेकेंट स्पेस कितना होगा? 100 - 68, दैट इज वॉट? 32%. ओके, परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 85 का आंसर 32 जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 86 में
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें पता है कि जो सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें सर्टेनली दो डिफेक्ट्स होते हैं, मेनली दो टाइप के क्लासिफिकेशन करे हैं, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो हम लोगों को फ्रेंकल और स्कॉट की दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में, तो फ्रेंकल और स्कॉट की डिफेक्ट जो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आते हैं। और हमें पता है स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन अपनी साइड से क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। ओके ठीक है, अच्छा कैटायन और एनायन अपनी साइड से मिसिंग है तो इसलिए क्या होगा, अपन लोग देखते हैं। तो कैटायन और एनायन पेयर के फॉर्म में अपनी साइड से मिसिंग होते हैं तो यहां पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन जरा हम ध्यान से देखें, और फ्रेंकल डिफेक्ट में जबकि कैटायन अपनी ही किसी इंटरस्टिशियल लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके तो जरा चेक करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ, ये गलत है, स्कॉट की डिफेक्ट के लिए तो ये बात सही है, फ्रेंकल के लिए ये बात सही नहीं है। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वो रिमेन्स सेम, ठीक है ना। फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये बात करेक्ट है कि जो कैटायन्स होते हैं यूजुअली साइज में छोटे होने की वजह से वो अपनी क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर कोई थर्मल डिफेक्ट की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से वो कोई इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। ओके फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल, ओके ये बात जो है ये भी करेक्ट नहीं है। ओके ये यूजुअली जो है कैटायन और एनायन का साइज जहाँ पे सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा कोवेलेंट, मतलब आयनिक नेचर थोड़ा कम हो जाए, कोवेलेंट नेचर थोड़ा बढ़ जाए, ओके उस टाइप के, जैसे आपका ZnS, AgBr, AgI इस तरीके के सॉलिड्स में फ्रेंकल डिफेक्ट होता है आपका। शॉर्ट की डिफेक्ट जो है आपका, हमें पता है कि आयंस पेयर के फॉर्म में मिसिंग होते हैं तो नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, तो हम लोगों ने चारों ऑप्शंस को जस्टिफाई कर दिया। स्कॉट की डिफेक्ट का डेंसिटी डिक्रीज होता है स्कॉट की डिफेक्ट के केस में, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है यूजुअली हैलाइड्स ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं हम लोग, AgBr, AgI में भी। ओके फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग, लिथियम एज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके तो हम लोगों को लिथियम के लिए बीसीसी लैटिस दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके तो इट हैज एटॉमिक मास 6.94 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ओके तो हमें यूनिट सेल की एज लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके तो कोर लंबाई क्या होगी लिथियम की, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, Z इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन ए क्यूब। ओके डेंसिटी कितनी है साहब, डेंसिटी आपकी है 530, इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें पता है कि यहाँ पे आएगा 10 to the power 3 ग्राम, ओके अपॉन मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोगों को जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में दे रखा है और एज लेंथ भी हमें जो है सेंटीमीटर या मीटर में, पिकोमीटर में बतानी है, तो हम लोग उसको कोरिलेट कर लेंगे, है ना। ओके इनटू व्हाट क्या है, इनटू देखो एम अपन लोगों को दे रखा है 6.94, है ना, अच्छा एन ए कितना दे रखा है 6.02 इंटू 10 to the power 23। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 6.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा जी अब देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी को जब हम लोग सॉरी यहाँ पे डेंसिटी आपको दे रखी है, ओके यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके डेंसिटी इज इक्वल टू
Z आपका कितना होगा BCC lattice के लिए 2, M आपको दे रखा है 6.94 अपॉन वॉट A क्यूब, है ना। A कितना है अपने पास, यही पता करना है, एज लेंथ पता करनी है ना, और NA की वैल्यू तो हमें पता है 6.02 इंटू 10 to the power 23, ओके, तो इंटू 10 to the power 23, ठीक है ना। नाउ अभी देखो यहाँ पे ए क्यूब हम लोग निकालेंगे तो ए क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, ए क्यूब अपने पास आता है 2 × 6.94 / 6.02 और यहाँ पे 530 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए यहाँ से कैलकुलेट करने पे जो हम लोगों को मिलेगा वो 352 पिकोमीटर, मैंने इसको सॉल्व किया है, ओके, सो वक्त जाया ना करते हुए ए की जो वैल्यू आती है वो 352 पिकोमीटर, ओके। तो बढ़ते हैं आगे 88 क्वेश्चन की तरफ। द आयनिक रेडियस ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आर दिस वन रिस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी, ओके। तो यहां पे अगर हम देखें तो हर एक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है और हम लोगों से कैटाइन आर ऑफ कैटाइन अपॉन आर ऑफ एनायन का जरा रेडियस रेशियो निकालते हैं। यूजुअली क्या होता है, कैटाइन साइज में छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो कैटाइन क्या होता है कि जो है वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, तो हम लोग साइज के रेशियो से ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके के वॉइड्स को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ओके। नाउ तो यहाँ पे देखें हम लोग कि कैटाइन का साइज हमारे पास है 0.98 × 10⁻¹० और हमारे पास एनायन का साइज है 1.81 × 10⁻¹० ओके। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अराउंड 0.98 / आप इसको सॉल्व करोगे तो 98/181, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा करीब 0.524 के आसपास, ओके। और 0.524 जो है ये वैल्यू जो है, हम जरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है कैटाइन और एनायन का, ये क्राइटेरिया 0.414 और 0.732 के बीच में आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ओके। इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो होता है तो ऑब्वियस है कैटाइन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहा होगा, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटाइन अगर है तो इसका जो रेडियस रेशियो आएगा वो इस रेंज में आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ स्कॉटकी डिफेक्ट, ओके। डेंसिटी डिक्रीजेस इनकरेक्ट बताना है, ऑब्वियस है स्कॉटकी डिफेक्ट में तो कैटाइन एनायन पेयर के फॉर्म में मिसिंग होते हैं साइड से, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करेगी। NaCl इज इंसुलेटेड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओके, स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ओके। आंसर क्या होगा देखते हैं हम बाकी के ऑप्शन पढ़ के, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ओके। तो यहाँ पे ये जो भी आपको दे रखा है स्टेटमेंट वो सारा सही है, क्योंकि NaCl इंसुलेटर सॉलिड फेस में तो होता ही है, ओके। एक्वस फेस में वो या मोल्टन फेस में ही क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटाइन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये बात स्कॉटकी के लिए तो एप्लीकेबल है, फ्रेंकल के लिए ऐसा नहीं है। फ्रेंकल डिफेक्ट उन्हीं आयनिक सॉलिड्स में होता है जहाँ पे कैटाइन का साइज क्या होता है, जहाँ पे कैटाइन का साइज और एनायन का साइज में मार्जिनल डिफरेंस होता है, ताकि वो डिसलोकेट हो सके कैटाइन, ओके, कोई दूसरी इंटरस्टिशियल साइट पे वो स्लिप कर सके, ओके। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, है ना। तो आंसर यही होना चाहिए। थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका Fe मिसप्रिंट है, यहाँ पे Fe 0.98O है, ओके, हैज नॉन स्टोकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। तो Fe 0.98O, तो
Fe0.98O जो है ना वो आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है. मेटल डेफिशिएंसी मतलब जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए फेरस ऑक्साइड में Fe1:1 का रेशियो होना चाहिए, जो कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आने की वजह से ये स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई है. ओके सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड हुआ और आंसर आपका 3 जाएगा. ओके बढ़ते हैं आगे. ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स है. केमिकल काइनेटिक्स सॉलिड स्टेट हम लोगों ने देखा. सॉलिड स्टेट से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है, लेकिन पिछले दो साल 2018-19 में नहीं पूछा गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 2020 में ये पूछा जाए. ओके तो इसलिए सॉलिड स्टेट अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले याद रख लेना. ओके एनसीईआरटी में जो भी फॉर्मूले हैं उनको याद रख लेना, आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे. बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं. ओके आई होप आप लोगों को आता होगा सॉलिड स्टेट अच्छे से, है ना. अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज डेल्टा एच जीरो. ओके चलो देखो, अगर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन ओके इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ओके ये जो दोनों ही क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा. ओके ये जो फ्री जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए बैकवर्ड होगा और एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ये गैप आपका ई ए फॉरवर्ड होगा और ये गैप आपका ई ए बैकवर्ड होगा. ओके और हमें पता है कि भाई अगर ऐसा है तो यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है. अगर ये दोनों इक्वल ही हैं तो डेल्टा एच क्या होगा, जीरो. ओके डेल्टा एस जीरो होगा, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता. ओके इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हम लोग, है ना. डेल्टा जी जब डेल्टा एस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो डेल्टा जी पे भी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात श्योर है कि हम लोग डेल्टा एच श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा एच हमारा जीरो होगा. सो ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके बढ़ते हैं आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर रेज किया जा रहा है, रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जा रहा है. ओके तो हमें याद होगा फॉर्मूला कि भाई रिएक्शन का रेट कांस्टेंट या रेट जो है आरहेनियस इक्वेशन से हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है लॉग के टू अपॉन के वन अलग अलग टेम्परेचर पे ई ए एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में 2.303 आर 1/T1 - 1/T2 है ना. ओके ये फॉर्मूला सबको याद होगा. वो कह रहे हैं कि रेट डबल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है और रेट कांस्टेंट डबल हुआ होगा. ओके तभी रेट डबल हुआ है तो लॉग 2 आएगा यहाँ से. लॉग 2 इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है 2.303 और आर कितना है भाई 8.314 इंटू वॉट 1/T1 - 1/T2. 1/T1 कितना है 293 माइनस 1/35 को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 35 आपका 35 प्लस 273 है ना. ओके कितना आएगा 273 प्लस 35. ओके तो ये आपका आता है 308 है ना. अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे, चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको जरा. ओके नेक्स्ट स्लाइड पे अपन लोग सॉल्व करते हैं इसको. एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ओके लॉग 2 कितना होता है भाई 0.3, एक्टिवेशन एनर्जी ये फाइंड आउट करनी है और ये आपका 2.303 इंटू 8.314 इंटू वॉट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15/293 इंटू वॉट
308. Now, activation energy क्या होगा? Activation energy 0.3 into 2.303 into 8.314, okay? Into 293 into 308 upon 15, okay? So activation energy क्या होगा? Activation energy आपका, मैंने solve किया इसको, okay? That comes out to be around 34.769 के आसपास आता है, 68, okay? तो आपका 34.7 ये आपका first option जाएगा, 34.7 किलो जूल पर मोल। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ओके? मैंने सॉल्व किया था इसको। नाउ नेक्स्ट जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ आ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स फॉर द रिएक्शन, ओके? ए टू बी एवरेज रेट पूछा गया है रिएक्शन का, तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज रेट रिएक्शन का निकालने का तरीका क्या है? एवरेज रेट निकालते हैं हम लोग डेल्टा ए बाई डेल्टा टी से, टाइम इंटरवल क्या है, और 0.03 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई वॉट, 25 मिनट्स, ओके? हम लोगों को जो एवरेज रेट की यूनिट, देखो जरा आप लोग, मोल पर लीटर पर सेकंड में बतानी है, मतलब हमें यहाँ पे 60 से भी डिवाइड करना होगा, ओके? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके, तो हमारे पास यहाँ से आएगा 0.01, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, 25 इनटू 60, ओके? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो करीब, इसको मैनिपुलेट करने के बाद ये आता है आपका 0.066 इंटू 10⁻⁴, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके? इसको मैंने सॉल्व किया है, आप लोग भी एक बार सॉल्व कर लेना इसको, ओके? सो करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 92 का, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, है ना? ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। बढ़ते हैं आगे 93 प्रॉब्लम की तरफ, जो कि केमिकल काइनेटिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी, के रेट इज इक्वल टू व्हाट? आर जो है आपका के इंटू ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर -½, ओके? ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, ओके? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी बिकम्स 4 times देन द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके? तो अगर हम ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दें, दोनों को डबल कर दें, तो रेट क्या हो जा रहा है? 4 times हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, ओके? सॉरी, इसको मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। कंसंट्रेशन ए और बी दोनों की कितने टाइम्स बढ़ानी है हम लोगों को? 4 times। तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है, ओके? तो सपोज हम लोगों ने नई कंसंट्रेशन ली जो कि 4 times है, ओके? किसकी? ए के। तो इसको लिया हम लोगों ने 4a^3/2, ओके? और बी की कंसंट्रेशन भी हम लोगों ने 4 times कर दी है, तो 4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी -½, ओके? तो यहाँ से नेक्स्ट जो आता है वो क्या आएगा? R dash is equal to K into what? A की पावर 3/2, B की पावर -1/2, ओके? 4^3/2, -1/2, ओके? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? R. R dash is equal to R and 4 की पावर कितना है? 3-1, ओके? तो 3-1, 2/2, दैट इज व्हाट? 4, तो दैट विल बी व्हाट? 4 times रेट इंक्रीज हो जाएगा, ओके? तो देखते हैं जरा ऑप्शन, बिकम्स 16 times, बिकम्स 4 times, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 times रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ओके? तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर आपका 94, ओके? सो 94 प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, x गिव्स प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन 40 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.025, ओके, देन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज, ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है ना, और हमें क्या दे रखा है, x गिव्स व्हाट प्रोडक्ट, x प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा, देखो रेट आपका फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये आपको दे रखा है, तो रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1, ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि x की कॉन्सेंट्रेशन जब 0.01 है, ओके, उस समय रेट क्या होगा, भाई पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें k की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, और k की वैल्यू नहीं पता है, यही हमारे लिए टास्क है इस प्रॉब्लम में, ओके, तो k की वैल्यू कैसे पता करी जाए, भाई हमें और जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे कि भाई 40 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.025, ओके, तो जरा हम सॉल्व करते हैं उसको, ओके, सॉल्व कैसे करें भाई, देखो हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन पता होगा, 2.303 log of what a naught by a t, ओके, सो क्या होगा आपका, kt is equal to 2.303 log of a naught upon a t, t क्या होगा, फोर्टी मिनट्स, ओके, हमें सारे ऑप्शन मिनट्स में ही दे रखे हैं, तो के आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, है ना, के कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम जो है आपको 40 मिनट्स दे रखा है, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है ए नॉट 0.1 टू 0.025, ओके, तो 0.1 टू 0.025 इसको जरा मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई 0.1, ओके, अपॉन 0.025, है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 4 आया है ना, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 4, ओके, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये 4 आया, 4 क्या होगा 2 log 2, तो यहाँ से आया वैल्यू निकल के 2.303 इंटू वॉट 2 log 2, है ना, अपॉन 20, तो 2 log 2 कितना होगा भाई 0.6, ठीक है, log 4 होता है 0.6, ये k की वैल्यू आ गई, अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं k की, है ना, तो k की क्या वैल्यू होगी भाई, देखो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब रेट कैसे निकालेंगे, k आपको पता चला है 2.303 इंटू वॉट 0.6 अपॉन 20, है ना, सॉरी ये 40 था, ओके, 40 और 2.303 इंटू 0.6 अपॉन 40, चलिए तो ये तो k की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, और x की वैल्यू क्या है अपने पास 0.01, तो हमारे पास जो रेट निकल के आता है वो आता है 3.47, ओके, हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं 3.47 के करस्पॉन्डिंग, तो पावर हमें चेक करनी है, ओके, तो कितना आएगा देखो जरा, यहाँ से हम लोग 2.303 इंटू 6 इंटू वॉट 10 टू द पावर माइनस 4 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास 3/2 हो गया, है ना, 3/2 इज 1.5, है ना, तो 2.3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आपका आएगा करीब 3.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना, तो 3.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आपका आंसर होगा, ओके, चलिए तो ये मैंने कैलकुलेट करा है, ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ओके, तो आई होप समझ में आएगा सब बच्चों को, है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिसाइजली वैल्यूज दे रखे हैं 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 टू द पावर माइनस 5, तो इसको आप लोग प्रॉपर चेक कर लेना, कहीं पे भी डेसिमल प्लस की गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, बढ़ते हैं आगे,
95, ओके 95 देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, है ना। तो फॉलोइंग ग्राफ, ओके, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। तो के जो है आपका वो ये है, है ना। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि भाई ln of k इज इक्वल टू ln of a माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि किस ग्राफ की स्लोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ln of k वर्सेस ln of 1 अपॉन टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके सो अगर हम लोग ln of k वर्सेस ln of t का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे जो एक लाइन आएगी ln of a नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी, ओके तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या देगी अपन लोगों को, यहाँ से जो स्लोप होगी वो माइनस ई ए अपॉन आर की वैल्यू देगी। यहाँ से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ln k वर्सेस 1 अपॉन टी, वन दिस शुड बी व्हाट द फोर्थ वन, ओके तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ओके तो बढ़ते हैं आगे। 95 प्रॉब्लम नंबर हो गई हमारी, ओके नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर जो कि केमिकल काइनेटिक्स से है, फिर से बढ़ते हैं आगे। देखो प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग इसमें, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन द रिएक्शन इट्स अ हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट 0.693 अपॉन के, जो कि इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। सो हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, ओके सो चलिए ये आसान सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट 97, ओके फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 97, ओके द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए बी इज 0.6 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है मोल, जो है इसमें थोड़ा सा यूनिट डिस्टर्ब है इसकी, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है आपका 5 मोलर, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 5 मिनट्स, रिएक्शन आपको दे रखी है, देखो रिएक्शन आपका ए टू बी है, है ना, ए से बी हम लोग जा रहे हैं। अब इस रिएक्शन का हम लोगों को पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है ना, और हम लोगों को रेट कांस्टेंट दे रखा है भाई। अच्छा रेट कांस्टेंट दे रखा है तो हम लोग कैसे पता करें भाई किस ऑर्डर की ये रिएक्शन है, तो ज़रा इसकी यूनिट को आप लोग नोट करना। तो यूनिट ये जो दे रखी है वो किस मोल पर लीटर पर सेकेंड किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर, ओके तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी, ओके एन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या होगा R इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू ए की पावर जीरो, दैट मींस व्हाट रिएक्शन जो है का रेट जो है ना वो A की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं भाई, ये सपोज करो A नॉट अमाउंट हमने ली है, T टाइम बाद क्या हुआ A नॉट में से X गया और X ये बना, तो जो आपका रेट होगा dx by dt वो क्या होगा, दैट विल बी व्हाट के, है ना। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आता है के टी, ये तो हम सब लोगों को पता होगा, है ना। तो b की अमाउंट क्या होगी आफ्टर t टाइम, x x इज इक्वल टू के टी और k की आपको वैल्यू दे रखी है ना। तो x कितना आएगा भाई,
के आपको 0.6 दे रखा है ना, और जीरो पॉइंट सिक्स दे रखा है इंटू 10^-3 इंटू टाइम आपको, देखो यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड के टर्म्स में दे रखी है ना, और टाइम आपको 20 मिनट्स दे रखा है, तो 20 × 60, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 12, ओके 72, ओके 720 है ना, देखते हैं जरा कोई ऑप्शन अपन लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, इंटू 10^-3 दैट इज वॉट, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज वॉट 0.72 है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0.72 मोलर इसका आंसर आया अपने पास, ओके 720 है ना इंटू 10^-3, तो ऑप्शन 4 आसान था। बढ़ते हैं आगे, 98, ओके ये जो केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है वो सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स में से मैं बोलूँगा, कि हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशंस बहुत सारे पढ़े हुए हैं लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी आसानी से डील नहीं होने वाली। इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलर एट 10 सेकेंड, ओके 10वें सेकेंड पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पे आपकी जो है रेट दे रखी है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन जो है पूछा गया है, तो हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट, 0.693 अपॉन के, ये किसके लिए होता है भाई, ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो अपन लोगों के पास यहाँ पे चैलेंज जो है वो क्या है, के निकालना, अगर के पता चल गया तो बाकी सारा काम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 10वें सेकंड पे रेट आपको दे रखा है और 20वें सेकंड पे आपको रेट दे रखा है ना, तो 10वें सेकंड और 20वें सेकंड पे जो रेट दे रखा है उसको हम डिस्कस करते हैं। R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1, ओके सी R1 आपको 0.04 दे रखा है, 0.04 है ना। अच्छा जी, R होगा क्या, जरा इसको जरा मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू A। अब A किसी टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी है ना। अच्छा, तो हमें ये तो नहीं पता है कि भाई टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, लेकिन हम लोगों को रेट पता है, तो अब करें क्या भाई, K को कैसे मैनिपुलेट करें, यही अपना इस प्रॉब्लम का एक अच्छा चार्म है इस प्रॉब्लम में, ओके सो अब इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए कोई एक चीज को तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक ए भी चेंज हो रहा है आर भी चेंज हो रहा है ना। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वाली रिएक्शन, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग कि ए टी जो होगा वो ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है ना। अपन लोग क्या करें, इसका एल एन ले लो, एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू एल एन ऑफ के ए नॉट, ओके माइनस ऑफ के टी, ठीक है ये फर्स्ट आ गया। एल एन अगर हम लोग टी वन टाइम पे पूछे या टी वन इंस्टेंट पे पूछे तो के टी वन एल एन ऑफ आर वन, एल एन ऑफ आर टू इज इक्वल टू व्हाट, एल एन ऑफ के ए नॉट माइनस के टी टू, ये सेकंड, ठीक है। तो एल एन ऑफ आर वन अपॉन एल एन ऑफ आर टू सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, एल एन ऑफ आर वन माइनस एल एन ऑफ आर टू करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये एल एन ऑफ के नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, के टी टू माइनस टी वन आ गया। तो इससे देखो हमें आर वन पता है, आर टू पता है, टी वन टी टू पता है, सिर्फ पता क्या नहीं है, के पता नहीं है ना, ओके। तो आर वन के क्या आएगा अपने पास, के आएगा 1/T2 − T1 एल एन ऑफ आर वन अपॉन आर टू, ओके।
अब जरा वैल्यूज पुट करने का समय आ गया अपने पास. ओके यहां पे 1 अपॉन टी टू माइनस टी वन, 1 अपॉन 40 माइनस 30. ओके शायद टाइम जो दे रखा है वो 10 और 20 सेकंड दे रखा है, सॉरी. तो यहां पे टी टू कितना दे रखा है, 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड. ओके और यहां पे एलएन क्या है आपके पास, 2.303 लॉग ऑफ आर वन और आर टू, है ना. आर वन आर टू क्या है, आर वन आर टू देखो ये दे रखा है अपन को 0.04, ठीक है. और यहां पे ये क्या दे रखा है अपन को 0.03, ठीक है. अच्छा तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो आई होप समझ जा रहा होगा, 2.303 थोड़ा सा लगेगा कि कैलकुलेशन आप लोगों को लेंदी जाएगी, लेकिन एक्चुअली इतना है नहीं है वो लेंदी. लॉग 4 माइनस या लॉग 4 बाई 3. ओके ये आपका क्या आ गया, के आ गया. ओके नाउ अब अपन लोग क्या करें, इसको यहाँ पे के आ गया आपका, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है डेरिवेशन इसका. अब फाइनली हो चुका है, के जो है ना आपका निकल आया हमारा. तो अब अपन लोगों को क्या करना है, टी हाफ निकालना है. तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टी हाफ होता है 2.303 लॉग 2, लॉग 2 कितना होता है भाई 0.3. ओके अपॉन वॉट, के के की वैल्यू देखो 2.303 अपॉन 10. ओके लॉग 4 माइनस लॉग 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको. ये पूरा मैंने के का एक्सप्रेशन लिख दिया है ना. तो अब जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टी हाफ जो आएगा अपने पास, ओके वो 24 सेकंड के आसपास के 24.1 आंसर आता है इसका. 2.303 तो 2.303 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा भाई 3. ओके और नीचे क्या आ रहा है भाई 0.4, ये 0.6 माइनस 0.47. ओके तो 0.477, तो ये करीब करीब जो है आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस, ओके ये आएगा 0.123. ओके 0.123 जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे 1.23 मतलब 24.1 सेकंड के आसपास आता है. ओके इसको आप लोग सॉल्व कर लेना. ओके मैंने सॉल्व किया इसको, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके थोड़ा सा लंबा गया ये प्रॉब्लम, और इसमें मतलब दिमाग वाकई चाहिए था, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी था इस प्रॉब्लम में. ओके क्योंकि बेसिक एक्सप्रेशन तो हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रॉब्लम को पूछा गया था. ओके तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग. प्रॉब्लम नंबर 99. ओके द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10^-2 सेकंड इनवर्स. देखो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को मतलब यहां पे रेट कांस्टेंट से ही है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना. ओके तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट आपको कितना दे रखा है, के इज इक्वल टू 10^-2 सेकंड इनवर्स. ओके हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम. ओके तो कितना टाइम लगेगा 20 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम में रिड्यूस करने के लिए, है ना. ओके तो अपन लोगों को एक एक्सप्रेशन पता ही है कि के टी इज इक्वल टू वॉट 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. ओके तो हमसे यही पूछा गया कि टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम बताते थे आप लोग, है ना. 2.303 अपॉन वॉट 10^-2 के की वैल्यू हो गई, लॉग ए नॉट कितना है अपने पास, वो कह रहे हैं कि भाई ए नॉट अपने पास 20 ग्राम है और इसको 5 ग्राम तक रिड्यूस हो गया. मतलब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो अपन लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट इज वॉट, देखो यहाँ से टाइम जो आएगा निकल के, टाइम आएगा इसको 100 लिख देते हैं, 2.303 × 100. ओके और ये क्या आएगा आपका 2 log 2. ओके
तो 2 log 2 मतलब 2 log 10 सॉरी log 20 log 4 यस ओके तो 0.6 है ना, तो यहां से आएगा आपका 2.303 इनटू व्हाट 0.6 इनटू 100 ओके तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पे करीब 138 सेकंड के आसपास आएगा आंसर ओके सो 138.6 सेकंड ठीक है ओके सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सी प्रॉब्लम थी ये तो है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 100। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दैट ओके तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में करेक्ट डिफरेंस क्या है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है भाई है ना ओके तो हमें करेक्ट ही पता करना है, मतलब फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता अपने पास ओके। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ओके सही है। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। भाई दोनों ही जो रेट होते हैं ओके भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट जो होगा वो क्या होगा, ए की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट होगा वो ए की सेकंड पावर पे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया भाई ओके। तो फर्स्ट भी आंसर नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट एंड हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द ओके। तो हम लोगों को ये बात पता है कि भाई जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है भाई, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी होती है 0.693 बाई के, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल अमाउंट। जबकि सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, देखो एक जनरल फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि हाफ लाइफ जो होता है वो ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके 1 - nth पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे ए नॉट का एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा, तो टी हाफ जो है कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होगा, एन की वैल्यू 2 हो गई तो टी हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हाफ लाइफ जो हो जाएगी उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट हो जाएगी है ना। तो हमसे सेकेंड ऑर्डर जो है डज डिपेंड अपॉन ए नॉट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, तो आंसर 3 होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये तो बट फिर से वही कहानी हो गई कि भाई रेट तो डिपेंड करेगा ही ना कॉन्सेंट्रेशन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ वो थर्ड आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, when the initial concentration of reactant is doubled the half life period of a zero order reaction is, when the initial concentration of reactant is doubled the half life period of a zero order reaction okay। to dekho half life period zero order reaction ke liye hum log kya formula likhte hain, a naught by 2k okay। ye aapka dekho hum logon ko pata hai ki zero order reaction ke liye jo प्रोडक्ट की अमाउंट होती है टी टाइम बाद वो कितनी होती है के टी। अगर हाफ लाइफ निकालनी है तो एक्स की वैल्यू होगी ए नॉट बाई टू है ना, ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के, उस समय जो टाइम कहलाएगा वही हाफ लाइफ कहलाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट बाई टू के है ना। तो अगर हम देखें तो अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जाए तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, चलो देखते हैं भाई। अगर इसको डबल करा तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट को अगर आप डबल करते हो तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी है ना। तो अपने पास जो ऑप्शंस हैं, इस ट्रिपल्ड रिमेन्स अनचेंज्ड और इस डबल्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन ओके। आसान था है ना, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन गिवन बाई ओके। तो रेट कॉन्स्टेंट आपका के है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा एक एक्सप्रेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो के
t is equal to what? 2.303 log of a naught upon at. okay, now अब कैसे सॉल्व किया जाए भाई इसको, कि भाई के टी तो टाइम हम लोगों को पता करना है रिएक्शन को, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाएगी 99%. ओके, तो 99% मतलब 100, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेके तो 100 अपॉन 80 विल बी 99% कंप्लीट हो गई है, तो ऑब्वियस है बची कितनी 0.01 टाइम्स ऑफ ए नॉट, तो 100 अपॉन 1. ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग 100 कितना होता है 2. ओके, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ का टाइम आएगा, ओके, वो क्या आएगा 2.303 log 100 होता है आपका 2 अपॉन के. ओके, तो टी कितना होगा 4.606 अपॉन के. ठीक है, 4.606 अपॉन के. तो बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम नंबर 102 फिनिश हुआ. ओके, आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 होगा. ओके, तो 102 के लिए हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. ओके, प्रॉब्लम नंबर 103, केमिकल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3, द करेक्ट ऑप्शन इज. ओके, तो देखो इसके लिए हम लोग जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी ऑफ N2 बाई DT इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 1/3 DH2 बाई DT इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. ये एक्सप्रेशन तो हम लोग लिखना जानते हैं. तो हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है भाई, कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो करेक्ट ऑप्शन देखो, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा. ओके, तो माइनस ऑफ डी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ, ओके, तो ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा. बाकी ऑप्शंस ऑब्वियस है, चेक कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है. ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं. डी ऑफ एच टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का 3 टाइम्स, ये गलत है. रिएक्शन कोएफिशिएंट, एक तो साइन भी गड़बड़ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. ऊपर से रिएक्शन कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/3 डी ऑफ एच टू बाई डी टू, ये सही है. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं होना चाहिए था. ओके, क्योंकि अमोनिया फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे देखते हैं भाई, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ना तो ये हो सकता है. तो आपको ऑप्शन तो वैसे भी मिल चुका है. ओके, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, उस पर हम बात कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट देखो नाउ. ओके, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं. ओके, तो आज के जो सेशन है, हम लोगों ने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब जो हमारा सेशन 4 था आज का, उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले सेशन को कंप्लीट करेंगे. तो सेशन नंबर 5 में हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो चुकी होगी. ओके, आई होप हम लोगों ने जो भी प्रयास किए साथ में, ओके, उसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी नीट की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका आने वाला जो नीट एग्जामिनेशन है 2020 में, वो आप अच्छे से कर पाएँ. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ. थैंक यू वेरी मच.